बड़ी सिस्टर का अपने छोटे सिस्टर के फियांसे के साथ अफेयर हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग गए थे और एक दूसरे को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। अगर इन्होंने अपने अफेयर को कंटिन्यू किया तो बहुत लोगों को हर्ट करेंगे। अब आगे क्या होगा ये एन अफेयर, ये 1998 की कोरियन मूवी के एक्सप्लेनेशन में हम जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे दो मेन कैरेक्टर को एयरपोर्ट पर देखते हैं। लेडी का नाम था सुह्यून और आदमी का नाम था वु। एक्चुअल में दोनों जीहून को ही लेने के लिए आए हुए थे पर एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। जीहून सुह्यून की सिस्टर थी और वो की फियांसे। इन्होंने बहुत वेट किया पर जीहून पहुंची ही नहीं। बाद में सुह्यून को कॉल कर वो सॉरी कहती है। उसने कहा मुझे और कुछ काम आ गया, एक मंथ मुझे और लगेगा। उसके पास आज एक गुड न्यूज थी, उसे कहती है कि मैं एंगेज्ड हो चुकी हूँ। सुह्यून को भी यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसका जो फियांसे है ये सुह्यून जहाँ रहती वही रहता है, मतलब सियोल में। ये न्यूज सुह्यून ने अपने फादर को बताया। फादर जरा वरीड करते हैं कि वो लड़का कैसा होगा, क्या उनकी बेटी का अच्छा से ख्याल रखेगा। वो थोड़े से डर रहे थे, वो भी यही चाहते थे कि जल्द से जल्द उनकी बेटी की शादी हो जाए, तो ये सब बात वो एक्सेप्ट कर देते हैं। जीहून लौटने के बाद तुरंत शादी करने वाली थी। हम सुह्यून के घर पर देखते हैं उसका एक बेटा और एक हस्बैंड है। रात में सोते वक्त सुह्यून ने अपने हस्बैंड से कहा कि किचन की वायरिंग खराब हो चुकी है, पर हस्बैंड इस बारे में भूल चुका था। ये सीन रिप्रेजेंट करता है कि बहुत दिनों से हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं पर उसके हस्बैंड ने इस बात को नोटिस नहीं किया। अगले दिन सुह्यून का बेटा ट्रिप पर जा रहा था तो उसने उसे छोड़ दिया। आज सुह्यून वु से मिलने वाली थी, जीहून का फियांस है। ये मिलकर शादी के बारे में डिस्कस करने वाले थे। ये दोनों मिले और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो 14 ईयर से यूएसए में था। अब वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, वैसे फाइनेंशियली तो बहुत ही स्टेबल है। उसने सुह्यून से कहा कि तुम बहुत ही यंग लगती हो, तुम्हें बेटा है कोई भी बोल नहीं सकता। सुह्यून ने इस पर सिर्फ हंस दिया। सुह्यून वु से कहती है कि शादी के बाद तुम्हें घर की जरूरत पड़ेगी, तो इसी वजह से अलग अलग प्लेसेस पर जाकर एक घर ढूंढने वाले थे। आज रात सुह्यून के हस्बैंड की ऑफिस की पार्टी थी, इसमें वो भी आई, पर यहाँ पर उसका हस्बैंड सिर्फ अपने कलीग से ही बिजनेस की बातें करता है, उसे बहुत ही अकेला महसूस होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वु के फादर और सुह्यून के फादर ने भी शादी के लिए बात कर ली थी। अगले दिन वु और सुह्यून ने घर ढूंढने के लिए मिले। एक एजेंट ने उन्हें घर दिखाया पर बहुत ही कंजेस्टेड था, इन्हें पसंद नहीं आता। ये अगले दिन घर ढूंढने का फिर से ट्राई करने वाले थे। सुह्यून को लगता है कि सबब में सिटी के बाहर बहुत अच्छा घर मिल सकता है, तो यही घर देखने के लिए आए। घर के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेक था जो वो इनको बहुत पसंद आता है। इसके बाद ये लेक के पास वॉक कर रहे थे। सुह्यून वो इनसे पूछती है कि एक अलग कंट्री में आना तुम्हें कैसा लगता है। वो कहता है कि मैं स्लोली स्लोली एडजस्ट कर रहा हूँ। उसने सुह्यून से पूछा क्या तुम कभी भी कहीं बाहर नहीं गई। सुह्यून कहती कि मेरा रूटीन बहुत ही फिक्स्ड है, मेरा हस्बैंड मेरा बेटा इनमें मेरा पूरा दिन चला जाता है। वो ने कहा कि लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, क्या पता 10 साल में तुम एडवेंचरस बन जाओगी, अलग अलग प्लेसेस घूमने लग जाओगी। फिर सुह्यून ने वु को घर पर छोड़ा। वो उसे कहता है क्या तुम अंदर कॉफी टी के लिए आना चाहती हो, पर सुह्यून उसे मना कर चली जाती है। अगले दिन वु के फादर के कहने पर इन्हें और एक घर देखने के लिए जाना था। वु को एक घर पसंद नहीं आता पर उसके फादर ने ऑलरेडी बाय कर लिया है। वो सुह्यून से कहता है मेरे फादर हमेशा मेरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, मेरा एक ब्रदर भी था, उसकी डेथ के बाद वो मुझ पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और मेरी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। उसे उस लास्ट घर का लेक बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो सुह्यून कहती है अगर हम लेक के पास नहीं जा सकते तो लेक को तो यहाँ ले आ सकते हैं। वो फिर एक स्टूडियो में गई और एक बड़ा सा लेक का फोटो लेकर उसे गिफ्ट दे देती है, कहती है मेरा तुम्हारे लिए एक वेडिंग प्रेजेंट। इसके बाद ये दोनों लंच के लिए आए। वो अपने बचपन के बारे में बता रहा था जब वो ब्राज़ील में रहता था। वो कहता है मेरे घर के सामने सी की तरह एक बहुत ही बड़ा सा लेक था, वहाँ के मेरे फ्रेंड्स के साथ हम हमेशा सॉकर खेलते थे। खेलते खेलते लेक के पास ही मैं सो जाता था। वहाँ पर रहना एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, वहाँ का सनराइज सनसेट ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। सुह्यून को यह सब सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो कहती है कभी कभी आपको कोई चीज़ें बहुत ही फेमिलियर लगती है, शायद वो अनजान हो। नेक्स्ट सीन में सुह्यून अपने हस्बैंड को कपड़े देने के लिए उसके ऑफिस में आई हुई थी। उसका हस्बैंड को एक प्रोजेक्ट पर काम करना है तो आजकल घर नहीं आ पाता। फिर से हम वो और सुह्यून को घर की शॉपिंग करता देखते हैं। अब इन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। शाम में घूमते घूमते एक थिएटर के पास आया। वो टिकट लेने के लिए गया तभी सुह्यून को उसकी सिस्टर का कॉल आता है। बात करने के बाद सुह्यून को गिल्टी लगा कि वो के साथ कर क्या रही है। वो टिकट लेकर वापस आया पर सुह्यून को यहाँ से जाना था।
आज रात वो सियुन से फिर से चाय के लिए पूछता है तो सियुन उसके साथ अंदर आ गई। बाहर बारिश आ रही थी और खिड़की से व्यू देख रहे थे जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वो सियुन से पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। सियुन कहती है कि तुमने मुझे ब्राज़ील के बारे में बताया था, ये व्यू देखकर मुझे ब्राज़ील की याद आ रही है। अब सियुन जब घर जा रही थी तो वो ने उसे किस कर लिया। अगले दिन से उसे इग्नोर करने लग गई थी तो वो डायरेक्टली सियुन से हस्बैंड से मिलकर आता है। आज रात ये सब मिलकर डिनर करने वाले थे। डिनर के वक्त वो ने सियुन के हस्बैंड से पूछा, तुम दोनों कैसे मिले थे। हस्बैंड कहता है, सियुन को देखते ही मुझे प्यार हो गया था, मैं हमेशा उसका पीछा करने लग गया और एक दिन उसने मुझसे बात की और वो बहुत ही अमेजिंग थी। इसके बाद स्लोली स्लोली उन दोनों में प्यार हो गया था। वो इन हस्बैंड से पूछता है, क्या तुम खुश हो। हस्बैंड कहता है कि खुशी क्या होती है। उसने फिश टैंक दिखाया और वो कहता है, इस टैंक की फिश को वार्म वाटर मिलता है, खाने के लिए भी सब कुछ मिल जाता है, उन्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसे खुशी कहते हैं। इस फिश टैंक के पीछे हम सियुन को भी देख सकते हैं। ये मूवी का कहने का तरीका था कि सियुन का हस्बैंड भी उसे इसी तरीके से देखता है कि वो खुश है क्योंकि उसे सब कुछ मिल रहा है। वो को छोड़ने के लिए लिफ्ट में सियुन उसके साथ आए, उसे पकड़ लेता है, कहता है, कल रात के लिए मैं सॉरी बोलने के लिए आया हुआ था पर मैं सॉरी नहीं हूँ। सियुन कहती कि हम दोनों ये नहीं कर सकते। वो को छोड़कर वो ऊपर आई पर वो उसे फिर से कॉल करता है, कहता है कि जब तक तुम नीचे नहीं आती तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सियुन ने वो को इग्नोर करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा रात हो गई उसके लिए वरीड थी तो नीचे जाकर देख आती है तो वो अब भी उसका वेट कर रहा था। सियुन पूछती कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो। वो ने कहा, तुम्हें उस घर उस आदमी के साथ देखना ये मुझे बहुत गलत लगा, क्या तुम उसके साथ खुश हो, क्या तुम उससे प्यार करती हो। सियुन कहती कि वो मुझसे प्यार करता है। सियुन ने वो को समझाने की कोशिश की कि हम दोनों में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है। वो कहता है कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। ये सब बात करने के बाद वो यहाँ से चला गया। अगले दिन सियुन ने वो के वर्क प्लेस पर कॉल किया पर आज वो बीमार था इस वजह से उसने छुट्टी ले ली थी। सियुन वरीड होकर फिर उसके घर पर पहुँच जाती है। वो जब अपनी नींद से जागा तो सियुन उसके पास थी। वो उसे किस कर लेता है और इसके बाद दोनों इंटीमेट हो गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियुन का बेटा उसकी ट्रिप से वापस आ गया था। रात में जब उसका बेटा सो जाता है इसके बाद वो के पास आती है। वो पास के गेमिंग कैफे में खेल रहा था। सियुन भी उसके पास आए तो उसे भी गेम्स खेलना सिखाता है। यहाँ पर कोई भी नहीं था तो दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब एक दूसरे से हमेशा मिलने लग गए थे, एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। एक दिन जब एक साथ थे तो सियुन के हस्बैंड की कलीग ने देख लेती है। उसने इन दोनों से बात की और उसे पता चल गया था इन दोनों में चल क्या रहा है। वो को आजकल लगने लग गया था कि सियुन फिर से घर वापस जाए ही ना, उसी के साथ हमेशा रहे। आजकल सियुन जिस तरीके से बिहेव कर रही थी ये सब देखकर उसके हस्बैंड को उस पर शक आ जाता है। उसने उसका मोबाइल चेक किया तो वो का नंबर डायल किया हुआ था। वो इस सब बात से बहुत परेशान हो गया था। ऑफिस में काम करते वक्त उसकी कलीग ने उसे लंच के लिए पूछा। इनके पास ब्रेक था, ये जा सकते थे पर हस्बैंड उसे मना कर देता है। वो अपने फ्रेंड के साथ कोई भी तरीके की अलग रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए रेडी नहीं था। उसके एक दो दिनों के लिए कॉन्फ्रेंस थी तो सियुन को टाइम मिला तो वो के साथ एक अलग प्लेस पर घूमने के लिए जाते हैं। घूमते घूमते सियुन को जरा फीवर आ गया था तो वो उसका ख्याल रखता है। सियुन जो भी करती है इस वजह से उसे बहुत गिल्टी लगता है, वो हमेशा इसके बारे में सोचती रहती है। पर वो ने कहा कि सिर्फ रिलैक्स करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में सियुन ने वो की नोटबुक नोटिस की जहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई थी। सियुन उसे पूछती है कि ये सब क्या है, क्या कोई एयरपोर्ट से आने वाला है, क्या ये मेरी सिस्टर है। वो कहता है कि हाँ। यहाँ पर एक डूडल भी बना हुआ था तो सियुन कहती है, तुम मेरी सिस्टर के साथ बहुत टाइम तक फ़ोन पर थे। सियुन को बहुत बुरा लगता है और वहाँ से चली जाती है। आज रात सियुन का हस्बैंड अपनी फ्रेंड के साथ था। उसे कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि हमारी 20 साल की रिलेशनशिप है, आज तुम्हें लोनली लग रहा है इस वजह से हम इसे तोड़ नहीं सकते। फ्रेंड ने उसे पूछा कि तुम्हारी वाइफ कैसी है। हस्बैंड को लगता है कि उसकी फ्रेंड को उसकी वाइफ के बारे में सब कुछ पता है जो एक्चुअल में उसे पता था। अब एक दो दिनों में सियुन की सिस्टर जीहून यहाँ पर पहुँच चुकी थी। ये सब जाकर उनके फादर से मिल कर आते हैं। फादर ने वो और जीहून का हाथ एक दूसरे के हाथों में दिया, कहा कि मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। रात में फिर सेलिब्रेट करने के लिए सियुन और उसका हस्बैंड वो और जीहून ये सब रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आए। सियुन का हस्बैंड जीहून से कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि शादी के बाद भी रोमांस कंटिन्यू रहेगा पर स्लोली स्लोली ये फेड होता जाता है। जीहून कहती है कि मुझे इस तरीके से सोचना अच्छा नहीं लगता, हमेशा लाइफ में रोमांस तो होना ही चाहिए।
टेबल पर ही वो स्मोकिंग करने लग गया, जो जिहुन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने बहुत पहले ही आदत छोड़ दी थी। सियुन के हस्बैंड को जरा काम था तो जल्दी से चला जाता है। जिहुन सियुन से कहती है कि इसके बाद हम तीनों मिलकर कुछ एंजॉय कर सकते हैं, पर सियुन ने कहा कि घर पर मेरा बेटा अकेला है। वो इस बात पर गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या अब तुम्हें अपने बेटे का ख्याल आ रहा है। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये था कि अफेयर करने से पहले उसने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा। ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल हो गया, तो जिहुन वू पर बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है। घर आते वक्त वू ने जिहुन से कहा कि अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जिहुन इस बात को ज्यादा सीरियसली लेती नहीं। अगले दिन जब वो सियुन से मिली तो उसे ये बात बता देती है, कहती है शायद वो जरा डर रहा होगा, ये एक्चुअली नॉर्मल होता है। इसके बाद ये वेडिंग ड्रेस लेने के लिए गए हुए थे, इन्हें कॉल आता है उनके फादर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। सारे लोग फादर से मिल लेते हैं। बहुत रात हो गई थी पर फिर भी सियुन फादर के पास ही रुकी। वो उनसे कहती है कि आपने मुझे एक बार कहा था कि आप जिसे प्यार करते हो उसे कभी भी जाने मत देना, शायद आपकी लाइफ में भी कोई था जिसे आपने जाने दिया और आप आज भी पछतावा करते हो। आपके इस फाइनल मोमेंट में आपसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। मुझे लाइफ में लगा था कि मुझे कभी भी प्यार ही नहीं होगा, पर आज जाकर मुझे हुआ। पर ये बहुत ही लेट हो चुका है, अगर मैंने मेरे प्यार को पाने की कोशिश की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो रोने लग के कहती है जिस प्यार को आप पा ना सको ये बहुत ज़्यादा हर्टफुल होता है। हॉस्पिटल में वो सियुन से मिलने के लिए आया, उसे कहता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। सियुन कहती कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, पर वो मानने के लिए रेडी नहीं था। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास रहने के लिए मुझे जियुन से शादी भी करनी पड़ी तो ये भी करने के लिए मैं रेडी हूँ। सियुन कहती कि ये सब बहुत गलत है, हमने उसे ऑलरेडी हर्ट किया है, हम और उसे हर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिहुन और सियुन ने दोनों घर की पैकिंग कर रहे थे, तभी जिहुन ने सियुन से कहा कि अब हम दोनों शादी नहीं करने वाले, हम दोनों अमेरिका जाएंगे और फिर आगे क्या करना है फिगर आउट करेंगे। एक दिन सियुन के बेटे की स्कूल में मैच थी, उसे वहाँ पर भी वू ने कॉल किया, कहता है कि हम दोनों को मिलना चाहिए। फिर वो डायरेक्टली स्कूल में ही आ जाता है, वहीं पर उसके साथ वो इंटीमेट हो गया। वो उसे कहता है कि हम दोनों के यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, मुझे पता है कि तुम मना करोगे, तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे बेटे को तुम नहीं छोड़ सकती। सियुन इस पर हाँ कहती है। सियुन कहती कि नहीं छोड़ सकती। वू ने कहा क्या तुम सचमुच में मुझे फिर से मिले बिना ये पूरी लाइफ जी सकती हो? तुम बिना प्यार की बूढ़ी हो जाओगी, जब तुम आखिरी सांस लोगी मेरे जैसे प्यार करने वाला तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा। आज तक सियुन ने वू से आई लव यू नहीं कहा था, तो वो कहता है कि प्लीज मुझसे आई लव यू कहो। सियुन उसे कुछ भी नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन में वो जिहुन से मिलकर उसे प्रॉपरली ब्रेकअप कर लेता है। अब वो अकेला ही यूएसए जाने वाला था। घर पर सियुन ने भी अपने हस्बैंड से कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, कहता है तुम्हें अपने सिस्टर के बारे में एक बार सोचना चाहिए था। सिस्टर भी घर पर पहुंच गई थी और ये सब बातें सुन लेती है। वो सियुन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, कहती है आज से तुम्हें और मुझ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इसके बाद हम सियुन को एयरपोर्ट पर देखते हैं। उसने वुइन को भी आई लव यू नहीं कहा था, तो इन दोनों की फिर से बात नहीं हुई थी। वुइन को जो प्लेस अच्छा लगता है यानी कि ब्राज़ील, वहीं जाकर वो रहना चाहती थी। इसका टिकट उसने बाय कर लिया। वो भी इसी एयरपोर्ट पर था, वो अमेरिका जाने वाला था पर लास्ट मोमेंट पर अपना माइंड वो चेंज कर लेता है। उसने भी ब्राज़ील की फ़्लाइट ले ली। मूवी के लास्ट सीन में ये दोनों प्लेन में मिल जाते हैं और इसी तरीके से इस मूवी का एंड हो जाता है। हमारे दोनों कैरेक्टर रिलेशनशिप में थे पर कभी भी उन्होंने प्यार को महसूस नहीं किया था। एक दूसरे से मिलने के बाद ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ की। जो भी उन्होंने किया ये सब अपने सेल्फिश लव के लिए। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।